तो क्या आप एक बजट फोन लेने को सोच रहे हैं कि अच्छे पैसे में, अच्छे प्राइस में अच्छा फोन मिल जाए, बड़ी बैटरी मिल जाए, बड़ी स्क्रीन मिल जाए, अच्छा कैमरा मिल जाए, अच्छा रैम मिल जाए, तो आप कैसे ले सकते हैं कम प्राइस में अच्छा फोन? तो चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं, और वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा और कैसे इसको ऑफर लगा के हम और कम प्राइस में कर सकते हैं। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम इसमें अच्छाई और इसकी कमियां बताएंगे कि इसको फोन में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अपने चलते हैं फोन स्क्रीन पर, तो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने फोन स्क्रीन पर। सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करना है। फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट फोन। तो हमने ऑलरेडी सर्च करके रखा है आपको दिखाने के लिए, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर्स के बारे में बात करने से पहले आपको बता देते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बता सकते हैं 6999 से इससे कम प्राइस में और कैसे फ़ोन खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन की बात करते हैं तो 6.82 HD प्लस नॉटेड डिस्प्ले दिया हुआ है, 90.5% का स्क्रीन बॉडी दिया है उसका। नंबर दो की बात की जाए तो इसमें 13 MP का AL डुअल कैमरा दिया है, प्लस f1.8 अपेयर ट्रिपल लेडी फ्लैश के साथ आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर तीन की बात की जाए तो इसमें फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, 8 AL सेल्फी के साथ आता है, प्लस डुअल LED फ्लैश के साथ, जैसा कि आपको दिखा दे रहे हैं मेरे डुअल LED फ्लैश आगे भी दिया हुआ है, ये देखिए। और नंबर चार की बात करते हैं तो इसमें 3 GB का रैम, प्लस 32 GB का स्टोरेज और डेडिकेटेड SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं। नंबर पाँच की बात करते हैं तो 6000 का MAH बैटरी दिया है, बैटरी बहुत ही अच्छी दिए गए भाई दोस्तों, मुझे बहुत ही पसंद है, बैटरी ने बैटरा दिया है, काफ़ी दिन भर चल जाएगी मोबाइल और ही चल जाएगी। अब नंबर छः की बात करते हैं तो इसमें XOS 6.2 ऑन एंड्रॉइड DTS सराउंड के साथ आता है। नंबर सात की बात कर रहे तो इसमें ही प्रोसेसर जो यूज हुआ है हीलियो 1.8 GHz A25 ओक्टा कोर, प्लस डुअल OLTP4 के साथ सपोर्टेड है, वाईफाई कॉलिंग भी सपोर्टेड है। तो दोस्तों, इसमें गेमिंग कर सकते हैं आप, पबजी नॉर्मल लाइट कर सकते हैं, अच्छा चल जाएगा। नंबर आठ की बात करते हैं तो जेम कट टेक्सचर डिज़ाइन दिया हुआ है आगे, जिसमें कि प्लस 2.5D ग्लास का फ्रंट में यूज हुआ है। नंबर नौ की बात करते हैं तो मल्टी फंक्शन ऑन फिंगरप्रिंट, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, फेस लॉक भी दिया है, फिंगरप्रिंट दिया है, इतने प्राइस में सभी फ़ोन में आ रहा है दोस्तों, बट ये छूट पे है तो इस प्राइस में दे रहा है, बहुत ही सही। नंबर दस की बात करते हैं तो इसके 920+ सर्विस सेंटर हैं, आप अपने एरिया का पिन कोड डाल के आप देख सकते हैं और कहाँ सर्विस सेंटर है। तो ये बात कर लेते हैं इसके और छूट कैसे मिल सकता है, आप इसको EMI पे भी ले सकते हैं, तो इसको छूट पे आप बैंक ऑफर लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड होगा तो आप लगा दीजिए 5%, एक्सिस कार्ड होगा तो एक्सिस बैंक का तो उस पर मिल जाएगा, या तो आपके पास योनो SBI का कार्ड होगा या योनो ऐप यूज करते हैं आप उससे पेमेंट करते हैं तो आपको उस पर छूट मिल जाएगा 10% का। जान लेते हैं अब इस फ़ोन की अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। अच्छाई सबसे पहले इसकी अच्छाइयाँ जान लेते हैं, इस फ़ोन की अच्छाई क्या है। तो इसकी नंबर वन बड़ी बैटरी है, नंबर दो कैमरा ठीक है दोस्तों, नंबर तीन की बात करें तो स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, नंबर चार की बात करें तो फ़ोन का डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, नंबर पाँच की बात करें तो दोस्तों गेमिंग अच्छा है, नंबर छः की बात करें तो 3 GB 32 GB का स्टोरेज दिया है, तो इसलिए फ़ोन अच्छा है। अब इसकी कमियां क्या हैं, कमियां जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। तो इसकी कमियां के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो इसका सबसे पहले यूट्यूब पर आप वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब पर इसकी रेजोल्यूशन थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगी। नंबर दो की बात करें तो दोस्तों इसका साउंड जो है फ़ोन का पुराने चाइनीज़ फ़ोन का दिया हुआ है, ये नहीं नया फ़ोन का नया साउंड नहीं दिया, पुराने फ़ोन का चाइनीज़ का साउंड सुनाई देगा आपको। नंबर तीन की बात करें दोस्तों तो फ़ोन थोड़ा मोटा है, पतला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, काफ़ी ठीक ठाक हद तक है। नंबर पाँच की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें फ़ोन अच्छा है, इसके प्राइस के हिसाब से आपको ले लेना चाहिए, फ़ोन अच्छा है, तो काफ़ी थोड़ा बहुत तो बुराइयाँ होती रहती फ़ोन की, तो फ़ोन काफ़ी बजट रेंज में आपको अगर चाहिए तो ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।